नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की आज की क्लास में हम चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये आपका लेक्चर नंबर 24 है आर्थिक सर्वेक्षण का। अगर आपको आर्थिक सर्वेक्षण का कंप्लीट पैकेज चाहिए तो सिर्फ 149 रुपये में अवेलेबल है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में, जिसमें आप वीडियो और PDF कम्प्लीट पैकेज प्राप्त कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण का चैप्टर नंबर 15वां है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर बच जाएगा आपका, फिर हम 16 चैप्टर कंप्लीट पढ़ लेंगे। तो चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य में हम एक एक करके सारे टॉपिक पढ़ेंगे। पहला जो टॉपिक है वह है मातृ स्वास्थ्य, है ना। इसमें आपका जो मातृ मृत्यु दर है वो कितना है आज की डेट में, वो सब बताया गया है भारत और छत्तीसगढ़ के तौर में। इसमें बताया गया है कि दोनों के हिसाब से आपको देखना है, ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखेंगे, है ना। तो मातृ मृत्यु दर जो है 2001-03 में जब छत्तीसगढ़ बना, उस समय जब सर्वे हुआ था, तो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर भारत में 301 और छत्तीसगढ़ में 389 थी। अब ये घट गया है, अब ये घट कर कितना हो गया, भारत में 103 व छत्तीसगढ़ में 160 हो गया है। तो आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में आपका जो SRS रिपोर्ट 2017-19 के हिसाब से, या वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मातृ मृत्यु दर कितना है ऐसा पूछा जाए, तो याद रखेंगे 160 हो गई, 1 लाख जीवित जन्मों पर 160। 2030 तक मातृ मृत्यु अनुपात को 110 लाने का लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षों में प्रदेश में गर्भवती माताओं का प्रसव जो है अस्पतालों में कराने में विश्वास बढ़ा है, तो संस्थागत जो प्रसव दर है वो भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। संस्थागत प्रसव दर मतलब कितना परसेंट जो प्रसव है वो अस्पतालों में, संस्थाओं में हो रहा है। तो 2015-16 में, मतलब जो NFHS-4 का रिपोर्ट था, उस समय 70.2% था, जो अब बढ़ गया 2019-21 के हिसाब से, मतलब NFHS-5 की रिपोर्ट में बढ़कर 85.7% हो गया है। तो संस्थागत प्रसव परसेंट आप याद रखेंगे, 85.7%, ठीक है। फिर अगला योजना का नाम है जननी सुरक्षा योजना, JSY, इसको शॉर्ट में कहा जाता है। जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व एवं संस्थागत प्रसव में वृद्धि करने की ये एक योजना है, है ना। जननी सुरक्षा योजना क्यों लाया गया, ताकि संस्थागत प्रसव में वृद्धि हो सके। वर्ष 2022-23 में 1.58 लाख हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला, और इसके अंतर्गत, जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है, संस्थागत जगहों में प्रसव कराने पर जो है प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो प्रसूता को कौन कौन सा प्रोत्साहन राशि प्राप्त होता है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव होने पर गर्भवती महिलाओं के लिए, अगर वो गर्भवती महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की हैं तो उनको 1400 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। अगर वो गर्भवती महिला जो है शहरी क्षेत्र की है तो उसको 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, ठीक है। ये है शासकीय अस्पतालों की बात, है ना। इसके अलावा जो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल की हम बात करें, अब निजी शासकीय अस्पतालों में तो सबको मिलेगा, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं तो 1400 याद रखना, शहरी क्षेत्र के तो 1000 रुपये याद रखना। लेकिन अगर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में प्रसव होता है तो केवल BPL गर्भवती महिलाओं को उसका लाभ मिलेगा, सेम शहरी क्षेत्र में आपका 1000 और ग्रामीण क्षेत्र में 1400 रुपये। और घर पर प्रसव होने पर केवल BPL ग्रामीण एवं शहरी गर्भवती महिलाओं के लिए जो है 500 रुपये मिलेगा, है ना। तो ये आपको याद रखेंगे, अगर आप BPL कैटेगरी के हैं और घर में प्रसव होता है तो 500 रुपये, अगर BPL गर्भवती हैं, और अगर मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में अगर संस्थागत प्रसव होगा तो ग्रामीण क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र, तो इसमें याद रखना 1400 और 1000, और शासकीय अस्पतालों के हिसाब से याद रखना, आपका ग्रामीण क्षेत्र के तो 1400 और शहरी क्षेत्र के तो 1000 रुपये, आसान है, याद हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। 9 मई 2016 को इसको लाया गया। इसका उद्देश्य नाम से स्पष्ट है, गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व गुणवत्तापूर्वक जांच एवं जटिल प्रकरणों की समय से पहले पहचान कर लेना। जैसे गर्भवती महिलाएं हैं तो उनका जो जांच हो वो सही तरीके से हो, गुणवत्तापूर्वक जांच हो, और अगर कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाती है जो जटिल है, जटिल प्रकरण है, तो उनको समय से पहले पहचान कर लें, ये इस योजना का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत प्रत्येक माह के 9 तारीख को राज्य के समस्त शासकीय संस्थाओं एवं चिन्हांकित PHC में प्रसव पूर्व जांच का कार्य किया जाता है। कब? प्रत्येक माह के 9 तारीख को ये कार्य किया जाता है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या है, प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का जांच किया जाता है, और ये जो है 9 मई 2016 को लागू हुआ, बस इतना याद रखना। अगला है
24/7 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य सुविधाएं प्रदेश में 24 घंटे आवश्यक प्रसूति सेवाओं की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का चयन किया गया है। ये 500 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है 24 घंटे 7 दिन जो है सुविधाएं उपलब्ध कराता है। फिर अगला टॉपिक है आपका शिशु कार्यक्रम स्वास्थ्य कार्यक्रम। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है शिशु एवं बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लाया गया। छत्तीसगढ़ के प्रयासों से शिशु मृत्यु दर में कमी भी देखा गया, जिसे आप ग्राफ में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो प्रति 1,000 जीवी जन्म पर 77 थी, जो अब वर्तमान में जो है 2022 की स्थिति में घटकर 38 हो गया। इससे पहले 40 था, अब ये 38 हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो ग्राफ है ब्लू कलर में है और जो भारत का ग्राफ है वो रेड कलर में। तो ब्लू कलर में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ जो है शिशु मृत्यु दर जो है कितना हो गया, शिशु मृत्यु दर जो घटकर 38 हो गया है, और भारत का कितना है आपका 33। फिर अगला है टीकाकरण कार्यक्रम। पूर्ण टीकाकरण की दर अगर पूछ दिया जाए तो NHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण टीकाकरण की दर है 79.7%। ये आपका जो है NFHS 5 की रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया। और वर्ष 2021-22 में पूर्ण टीकाकरण 1 वर्ष तक के बच्चों का कवरेज बताया जाए तो यहाँ पे 90.5% रहा, 1 वर्ष के बच्चों के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं, अगला राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम। कुष्ठ रोग पर नियंत्रण करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय राज्य में जो कुष्ठ प्रभाव दर था वो 8.2 प्रति 10,000 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 8.2 था, जो वर्तमान में घटकर 1.77 प्रति 10,000 है। तो वर्तमान में आपको याद रखना है कि कुष्ठ प्रभाव दर छत्तीसगढ़ में कितना है, 1.77 प्रति 10,000। राज्य में जो कुष्ठ रोगी हैं उनका जो उपचार है वो निःशुल्क किया जा रहा है। तो रोग प्रभाव दर आप याद रखेंगे, अभी मैंने आपको बताया 1.77 प्रति 10,000। फिर अगला है योजना पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम डॉट्स रणनीति के साथ ये 1997 में प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के समस्त टीबी रोगियों को उच्च गुणवत्ता की जांच एवं उपचार और टीबी मुक्त प्रदेश बनाना है। तो पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो है क्षय नियंत्रण कार्यक्रम में क्षय मतलब होता है टीबी, तो टीबी को दूर करने के लिए सही तरीके से जांच करने के लिए ये कार्यक्रम वर्ष 1997 में लाया गया। बस इतना एक बार पढ़ लेना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, शालेय छात्रों को निःशुल्क चश्मा तथा अन्य नेत्रों का उपचार आदि किया जाता है। और ये बहुत पहले से चला आ रहा है कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ में लगभग 1978 से, जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना था मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता था, तो तब से चला आता जा रहा है। तो ये जो डेट है ये तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत पुराना कार्यक्रम है। बस ये याद रख लेना कि इसके अंदर क्या किया जाता है, निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन, शालेय छात्रों को मतलब जो स्कूल में छात्रगण हैं उनका निःशुल्क चश्मा तथा अन्य नेत्रों का उपचार इत्यादि किया जाता है। कुछ विशेष कार्यक्रम याद रखेंगे, जैसे दिनांक 25 अगस्त से 8 सितंबर तक प्रतिवर्ष नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाता है। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है और 12 मार्च को विश्व ग्लाकोमा दिवस मनाया जाता है। अगला है बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह। राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत बाल दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में दिनांक 14 से लेकर 20 नवंबर 2022 तक बाल नेत्र सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत छात्रों को निःशुल्क चश्मा का वितरण किया गया और नेत्र से संबंधित रोगों के बारे में बताया गया। ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, नेत्र बैंक। तो राज्य में कुल 6 नेत्र बैंक है और 4 कार्नियर ट्रांसप्लांट सेंटर स्थापित किए गए हैं। नेत्र बैंकों की संख्या छत्तीसगढ़ राज्य में कितना है, 6। फिर अगला कार्यक्रम मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। ये याद रखेंगे, थोड़ा सा ध्यान इसमें इस तरीके से रखेंगे कि किससे संबंधित है ये, ठीक है। तो राज्य के ऐसे नागरिक जिनको दुर्लभ बीमारी है ना, राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने तथा दुर्लभ बीमारियों के इलाज में होने वाला जो व्यय होता है
उस व्यय से बचाने के लिए योजना लाया गया है, और ये जो है संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए इस योजना को लाया गया है, और ये जनवरी 2020 से मुख्यमंत्री भी स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ किया गया है। जनवरी 2020 से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में जो भारी खर्चा होता है उसका वहन संजीवनी सहायता कोष का विस्तार करते हुए इसमें किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक, कितना, अधिकतम 20 लाख रुपये तक का सुविधा प्रदान किया जाता है। और ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत देश में पहला राज्य है। इतनी अधिक राशि, 20 लाख तक की अधिकतम अधिक राशि देने वाला जो है छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता मतलब पात्रता कौन होगा इसमें? प्राथमिकता और अंत्योदय कार्ड के जो राशन कार्डधारी होंगे उनको पात्रता होती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद रखेंगे? मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित जो पात्र परिवार होते हैं उनको उस बीमारी के इलाज के लिए अधिकतम 20 लाख रुपए तक का खर्चा मिलता है, और छत्तीसगढ़ ऐसा पहला राज्य है जो इतनी बड़ी राशि नागरिकों के लिए वहन कर रहा है। और इसमें कौन पात्र होंगे? जो प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार है वो पात्र होंगे। किस तरीके की बीमारियों का इलाज किया जाता है इसके अंतर्गत? बीमारी का उपचार जो है करने योग्य होना चाहिए, मतलब बीमारी का उपचार योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि असंभव टाइप का कोई इलाज नहीं हो सकता, इस टाइप का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए जिसका संभव इलाज हो, ठीक है। जीवन की प्रत्याशा अवधि में औसत न्यूनतम 2 वर्ष की वृद्धि संभावना, मतलब इलाज करने के बाद कम से कम 2 वर्ष तक जीवित रह सके इसकी संभावना होनी चाहिए। एक बीमारी के उपचार हेतु तो एक ही बार स्वीकृति प्रदान की जाएगी, अगर कोई बीमारी है एक बार ही उसको दिया जाएगा, एक बीमारी के लिए एक बार, है ना। फिर अगला है संजीवनी एक्सप्रेस सेवा 108, ये 108 आपको पता होगा। प्रदेश की जनता को आकस्मिक दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाया गया, जिसका नाम है 108 संजीवनी एक्सप्रेस, ठीक है। इमरजेंसी केस में इसमें आप कॉल कर सकते हैं निःशुल्क, और 24 घंटे 365 दिन ये चलता है। निःशुल्क डायल नंबर है आपका 108 संजीवनी एक्सप्रेस का, और ये प्रदेश के जनता के लिए आकस्मिक दुर्घटनाओं में त्वरित सहायता के लिए लाया गया है। इसी तरीके से एक और है महातारी एक्सप्रेस सेवा, इसका जो डायल नंबर याद रखेंगे महातारी एक्सप्रेस का है 102, ठीक है। संजीवनी एक्सप्रेस का है 108, तो सबका टोल फ्री नंबर आप ध्यान में रखेंगे। महातारी एक्सप्रेस का है 102। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ देने के लिए, महातारी मतलब माँ हो जाता है, तो ये गर्भवती महिलाओं के लिए लाया गया है, ठीक है। गर्भवती महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस एक्सप्रेस योजना का आरंभ किया गया, और 23 अगस्त 2013 को ये बिलासपुर ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से? बिलासपुर ज़िले से इसकी शुरुआत की गई थी 23 अगस्त 2013 को। महातारी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर है 102, और ये भी 2400 घंटे चलता है, 365 दिन चलता है। फिर अगला है चिरायु योजना, इसको राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत भी जाना जाता है। चिरायु कार्यक्रम के अंतर्गत 0 से 8 सप्ताह की आयु के नवजात शिशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, और इसमें डिलीवरी पॉइंट के स्टाफ द्वारा 6 सप्ताह से 6 वर्ष की आयु के बच्चों का आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, और 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों का शासकीय एवं शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से चिरायु दलों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं 44 प्रकार की बीमारियों को चिन्हित करके उसके उपचार किया जाता है। तो चिरायु योजना क्या है? जो बच्चों को बीमारी होता है उससे संबंधित इलाज कराया जाता है चिरायु योजना में, ठीक है। अगर 0 से 8 सप्ताह की आयु है, नवजात शिशु है, तो उसका डिलीवरी पॉइंट स्टाफ के द्वारा इलाज किया जाएगा। 6 सप्ताह से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, और 6 साल से अगर वो 18 वर्ष के बच्चे हैं तो शासकीय अस्पताल में, शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालयों के माध्यम से चिरायु के दलों के द्वारा उपचार किया जाएगा। तो चिरायु योजना क्या है? आपका बच्चों से संबंधित इलाज किया जाता है रोगों का, इस तरीके से याद रखना। अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। योजना का उद्देश्य राज्य के नागरिकों की गुणवत्ता पूर्वक चिकित्सा सुविधा तक पहुंच में सुधार करना है। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना क्या है? नागरिकों को सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा पहुंचाना और उसमें सुधार करना डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का मेन उद्देश्य है। बहुत सारी योजनाओं को एकीकृत करके इसको लाया गया, जैसे कि आप देखेंगे
योजनाओं का एकीकरण करण राज्य में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि सबको जोड़कर एकीकृत करके माह जनवरी 2020 से डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ किया गया। इस योजना के साथ राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। योजना के अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों में योजना के निर्धारित पैकेज अंतर्गत भर्ती होने की दशा में अंत्योदय व प्राथमिकता के राशन कार्डधारी परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना में निर्धारित वंचित श्रेणी इन सबको लगभग 5 लाख तक का उपचार सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत क्या होता है? अगर कोई अंत्योदय, प्राथमिकता राशन कार्डधारी है या फिर सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना में जो वंचित श्रेणी की कैटेगरी के आते हैं, उन सबको 5 लाख तक का उपचार उपलब्ध होता है प्रतिवर्ष। हर साल 5 लाख तक का उपचार कराया जाता है और बाकी जो जितने भी कैटेगरी के राशन कार्डधारी हैं उनको 50 हज़ार तक के जो है हर साल स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। फिर अगला जो टॉपिक होगा वो महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले समेकित बाल विकास सेवा योजना हम देखते हैं। भारत सरकार द्वारा कुपोषण हो गया, शिशु मृत्यु दर हो गया, मातृ मृत्यु दर हो गया, इन सब में कमी लाने के लिए 2 अक्टूबर 1975 से ये चला आ रहा है, जिसका नाम है समेकित बाल विकास सेवा योजना। समेकित बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य क्या क्या हैं? बच्चों में उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास करना, 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण इत्यादि को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देना, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण इत्यादि बढ़ाना। ठीक है, तो समेकित तो जो बाल विकास कार्यक्रम है वो बच्चों से संबंधित है। इसमें कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर इत्यादि में ध्यान दिया जाता है और 2 अक्टूबर 1975 को ये लाया गया था। अब हम बात करेंगे आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी आंगनबाड़ी केंद्र राज्य में किस तरीके से स्थापित किए जाते हैं और इसके स्वीकृति के क्या मापदंड हैं। तो अगर हम आंगनबाड़ी केंद्र की बात करें, पहले हम आंगनबाड़ी केंद्र को समझते हैं शहरी और ग्रामीण। तो यहाँ पे आप देखेंगे 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये अपन यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 से 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र लिखा हुआ है, और 800 से 1600 पर 2 आंगनबाड़ी केंद्र, और 1600 से 2400 पर 3 आंगनबाड़ी केंद्र। तो बस पहला पॉइंट याद रखना, 400 से 800 पर आपका एक आंगनबाड़ी केंद्र। फिर यहाँ पे मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की हम बात करें तो 150 से 400 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो। इन दोनों के लिए जो स्वीकृति के मापदंड सेम है, मिनिमम 400 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र और मिनिमम 150 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। अब आदिवासी में छूट है, जैसे यहाँ पे 400 था उसको और कम कर दिया गया आंगनबाड़ी केंद्र के लिए, आदिवासी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र या फिर दुर्गम क्षेत्र। यहाँ पर मिनिमम कैटेगरी है आपका 300 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र, और आपका मिनी आंगनबाड़ी केंद्र का सेम है, 150 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने की जो है मापदंड है। फिर अगला है वजन त्यौहार। वजन त्यौहार क्या होता है और इससे संबंधित क्या क्या डेटा आपको ध्यान में रखना है, मैं आपको बता दूंगा, वो आप याद रखेंगे, है ना। कुपोषण मुक्ति हेतु ठोस कार्य योजना बनाने के लिए 5 वर्ष तक के बच्चों का डेटाबेस निकाला जाता है वजन करके, इसी को हम वजन त्यौहार के नाम से जानते हैं। और ये जो है वर्ष 2012 से मनाया जा रहा है वजन त्यौहार। वजन त्यौहार वर्ष 2022 के अनुसार कुपोषण की दर 17.76% है। अलग से अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ष 2022 में वजन त्यौहार के अनुसार कुपोषण की दर कितना है छत्तीसगढ़ राज्य में, तो 17.76% है। ठीक है, और राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के जो रिपोर्ट है 2021 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर घटकर 31.3% रह गई है। तो यह राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण
की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है, और ये जो डेटा है वजन त्योहार के हिसाब से डेटा है कुपोषण की दर। ठीक है, फिर अगला है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना जो है गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा दिलाने के लिए लाया गया। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना में क्या रखेंगे, गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों की इलाज के लिए ये योजना लाया गया, बस इतना याद रख लेना। फिर अगला है सुचिता योजना। ये सुचिता योजना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये 24 जनवरी 2017 को लाया गया बालिका दिवस के अवसर पर। सुजीता योजना के संदर्भ में आप ये याद रखेंगे कि इसमें जो है सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल कराया जाता है। सुजीता योजना का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध कराया जाता है। और इसके लिए क्या कराया जाता है, उस नैपकिन का नष्ट किया जा सके इसलिए भस्मक मशीन द्वारा सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की भी व्यवस्था की जाती है। तो सुचिता योजना अंतर्गत शासकीय शालाओं में जहाँ कन्याएं अध्ययनरत है सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन तथा इंसिनेटर की स्थापना, साथ साथ 10,000 नैपकिन की निःशुल्क आपूर्ति तथा 1 वर्ष तक मशीनों के रख रखाव एवं निःशुल्क सर्विस सेंटर का स्थापना करने का प्रावधान है। सुचिता योजना का विस्तार करके महाविद्यालयों तथा हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल इत्यादि में भी इसकी इकाई स्थापना करने का भी प्रावधान है। महाविद्यालय मतलब कॉलेज वगैरह में। तो सुचिता योजना में क्या याद रखेंगे, 24 जनवरी 2017 को ये योजना लाया गया। ये योजना इसलिए लाया गया ताकि जो दूरस्थ अंचल है जहाँ पहाड़ वगैरह हैं, जहाँ पे पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जहाँ पे सुविधाओं का अभाव होता है, ऐसे जगहों में बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन सुगमता से उपलब्ध हो इसलिए योजना लाया गया। फिर अगला है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित सबला योजना एवं किशोरी शक्ति योजना, इन दोनों योजना के हम बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस योजना के तहत 11 से 14 आयु समूह की सहायता ताकि बालिकाओं को पोषण आहार एवं गैर पोषण आहार इत्यादि पर ध्यान दिया जाता है, जैसे आयरन, फॉलिक एसिड अनुपूरण, हेल्थ चेकअप एवं रेफरल रिसर्च, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा इत्यादि काम किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो अभियान वगैरह चलते हैं, जो योजना वगैरह चलता है वो हम पढ़ेंगे। संस्कार अभियान हम देखते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 वर्ष से कम आयु बच्चों को, कितने, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक बाल्यावस्था देख रेख एवं शिक्षा के लिए संस्कार अभियान संचालित किया जा रहा है, ताकि बच्चों को सही पर्यावरण मिले, सही एनवायरनमेंट मिले, है ना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ये संस्कार अभियान लाया गया है ताकि उनको सही तरीके से संस्कार, सही तरीके से ज्ञान मिले। और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा, शाला पूर्व शिक्षा किसको कहते हैं, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसको शाला पूर्व शिक्षा कहा जाता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ये संस्कार अभियान का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। फिर अगला है आपका मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। सुपोषण योजना से आप कुपोषण याद रख लेना, क्यों लाया गया ये, इसका उद्देश्य क्या है, कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति दिलाना इसका उद्देश्य है। 2 अक्टूबर 2019 से ये संचालित है। तो आरंभ कब हुआ, 2 अक्टूबर 2019, उद्देश्य कुपोषण एवं एनीमिया से मुक्ति दिलाना। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 आयु वर्ग के महिलाओं को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रदेश में संचालित है। फिर अगला है आपका पोषण अभियान। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए इस अभियान को लाया गया। फिर अगला है आपका प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। अल्प पोषण वगैरह जैसे रहता है वो खतरा रहता है गर्भस्थ शिशु के लिए और महिलाओं के लिए। तो गर्भावस्था में काम बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो गर्भावस्था में काम नहीं करते हैं, तो ऐसी महिलाओं को आर्थिक क्षति भी होती है, आर्थिक नुकसान भी होता है ना। कोई भी अगर गरीबी रेखा से संबंधित कोई महिलाएं हैं, या फिर ऐसे महिलाएं जो जिनका काम करना अति आवश्यक है और गर्भ के दौरान वो काम नहीं कर पा रही हैं, तो उनको आर्थिक क्षति होती है। तो इस आर्थिक क्षति की नुकसान की भरपाई करने के लिए 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लाया गया। और इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है।
गर्भ का पता चलने पर पंजीयन के पश्चात 1,000 रुपये, फिर 6 महीने के बाद 2,000 रुपये तथा बच्चे के जन्म और आवश्यक टीका लगने के पश्चात 2,000 रुपये। इस तरीके से प्रधानमंत्री मातृ योजना मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कितने राशि का प्रदान किया जाता है ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना 5,000 रुपये की सहायता दी जाती है, और यह केवल प्रथम जीवित जन्म बच्चों के लिए दिया जाता है, पहले बच्चे के लिए ये मिलता है। फिर अगला है आपका नोनी सुरक्षा योजना। 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना राज्य में संचालित है। ये योजना जो है वो जैसे राज्य में देखा गया कि 2001 में छत्तीसगढ़ में जो बाल लिंगानुपात था वो 1,000 लड़कों पे 975 था, और जो देखा गया 2011 में ये फिर घट गया, 969 हो गया है ना। तो ये जो योजना है नोनी सुरक्षा योजना, इसी बाल लिंगानुपात जो घट रहा है उसको बढ़ाने के लिए और समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए, भ्रूण हत्या वगैरह रोकने के लिए नोनी सुरक्षा योजना लाया गया, और ये 1 अप्रैल 2014 से संचालित है। इसका उद्देश्य क्या है? बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना, ये सब जो है इस योजना का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, और इनमें आप ये दो क्राइटेरिया याद रखना कि छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और गरीबी रेखा के कैटेगरी के अंतर्गत परिवार होना चाहिए, इनको जो है अधिकतम दो बालिका के जन्म के हिसाब से ही इस योजना का लाभ मिलता है। अधिकतम दो बालिका के लिए इसका लाभ मिलता है, और 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी जो बच्चे होंगी उनको ही ये लाभ मिलेगा। क्या मिलता है लाभ? योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने एवं कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण करने पर वित्तीय संस्था के द्वारा 1 लाख रुपये परिपक्वता राशि दी जाती है। ठीक है, नोनी सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है? अगर छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हैं और गरीबी रेखा के नीचे अंतर्गत आते हैं और 1 अप्रैल 2014 के उपरांत कोई बच्ची जन्मी है, अधिकतम दो बच्ची के लिए ये होगा, तो पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष का अगर वो कंप्लीट करते हैं है ना, 18 वर्ष कंप्लीट कर लेते हैं और विवाह नहीं हो रहा, ऐसे नहीं कि बाल विवाह करा दिया गया, 18 वर्ष तक का विवाह नहीं होना चाहिए और मिनिमम 12वीं तक की शिक्षा उनको ग्रहण कराया जाना चाहिए, तब उनको 1 लाख रुपए का परिपक्वता राशि प्रदान किया जाएगा। फिर अगला, सखी वन स्टॉप सेंटर। घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को आवश्यकता अनुसार सुविधा सहायता तत्काल उपलब्ध कराते हुए जरूरतमंद महिला को चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर कार्यक्रम संचालित है। तो सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को इतनी तरीके की सुविधाएं जो है एक ही जगह पर मिल जाता है। अगला है आपका महिला हेल्पलाइन नंबर 181। ठीक है, ये नंबर याद रखेंगे। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा इत्यादि की सहायता के लिए 181 महिला हेल्पलाइन जो नंबर है सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवाएं राज्य में संचालित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन वर्ष 2016 से प्रारंभ कर दिया गया। टोल फ्री नंबर 181 पर किसी भी सेवा प्रदाता, चाहे लैंडलाइन नंबर हो, मोबाइल हो, उससे डायल करके ये निःशुल्क सेवा है, इसका लाभ लिया जा सकता है। तो ये महिला हेल्पलाइन नंबर है 181। फिर उसके बाद अगला योजना है नवा बिहान योजना। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रदेश में नवा विहान योजना संचालित है। ठीक है, तो नया नवा विहान योजना जो है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला हैं उनके लिए लाया गया है। फिर अगला है मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए एकीकृत सहायता केंद्र। छत्तीसगढ़ में जितने भी अवसादग्रस्त महिला हो गए या फिर मानसिक रूप से जो बीमार हैं इनके सहायता के लिए रायपुर में आश्रय गृह का संचालन किया जा रहा है। फिर अगला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम। 22 जनवरी 2015 से ये कार्यक्रम संचालित है। लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को कम करना इसका प्रमुख
प्रमुख उद्देश्य है। भारत शासन द्वारा लिंगानुपात दर में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने, बालिकाओं की उत्तरजीविता व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की औसत दर से 943 से निम्न स्तर पर आने वाले देश के पूरे 100 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्रियान्वयन दिनांक 22 जनवरी 2015 से लागू किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर मतलब पूरे देश में देखा गया कि कहाँ का जो लिंगानुपात है वो 943 से कम है। तो 943 से कम ऐसे 100 चयनित जिले को सेलेक्ट किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चालू किया गया। और ये जो कार्यक्रम है वित्तीय वर्ष 2022-23 से प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। तो अब मान के चलो कि प्रत्येक जिले में ये लागू है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ महिला कोष अंतर्गत ऋण योजना। छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन 2 फरवरी 2002 को किया गया। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। किनको? महिला स्व सहायता समूह को। योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह को अधिकतम 50,000 रुपये का ऋण प्रथम बार में उपलब्ध कराया जाता है, और जब ये प्रथम बार का जो ऋण है सफलतापूर्वक वापसी करते हैं तो द्वितीय बार इनको 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान कर दिया जाता है। और ये जो ऋण महिला कोष के अंतर्गत मिलता है, छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत महिला स्व सहायता समूह को जो ऋण मिलता है वो 3% की दर के हिसाब से दिया जाता है। इस महिला स्व सहायता महिला कोष के अंतर्गत और बहुत सारी काम होता है, जैसे सक्षम योजना। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में सक्षम योजना आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहिता महिलाएं जिनकी शादी नहीं हुई अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। तो सक्षम योजना महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए, किस तरीके के महिलाओं के लिए, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो या 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिला हो या फिर तलाकशुदा महिलाएं हो, इनको आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण मिल जाता है। उसी तरीके से है स्वावलंबन योजना, ये भी छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा आरंभ की गई है 2009-10 में ही। इस योजना के अंतर्गत भी जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है ऐसी महिला, जो कानूनी तौर पर तलाकशुदा है ऐसी महिला, फिर 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिला, इनको जो है व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर स्वावलंबी बनने का आधार हेतु मतलब आय उपार्जन गतिविधि का प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसका ये मतलब है कि हमने ये देखा सक्षम योजना में इनको 1 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है इन महिलाओं को, और स्वावलंबन योजना में ये स्वावलंबी बन सके, अपना खुद का काम कर सके, इसलिए इनको प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो कोई ऐसा काम कर सके जिससे पैसा आ सके। ठीक है, तो यह प्रशिक्षण जो है मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत इन महिलाओं को दिया जाता है। फिर अगला है आपका उज्ज्वला गृह योजना। बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण, यौन शोषण की पीड़ितों से बचाव, पीड़ितों के बचाव पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए, ये क्यों लाया गया है? बच्चों हो गए या फिर महिलाओं हो गए, इनके ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जा सके, ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण से जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको समाज में फिर से जोड़ा जा सके, इसलिए उज्ज्वला योजना प्रदेश में संचालित है। इस योजना के लिए केंद्र शासन हो गया, राज्य शासन हो गया और स्वैच्छिक संगठन के द्वारा पैसा का व्यय किया जाता है। तो इसका जो अंशदान है वो है 60, 30 और 10, मतलब 60% केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार और जो स्वैच्छिक संगठन है वो 10% पैसा व्यय करता है। उज्ज्वला गृह योजना में आप इतना याद रख लेंगे। फिर अगला है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस वर्ष के बजट में इस योजना के अंतर्गत प्रति कन्याएं जो 25,000 रुपये विवाह के लिए मिलता था उस राशि को बढ़ाकर डबल कर दिया गया, 50,000 किया गया, इसलिए ये योजना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को पात्रता है और प्रत्येक कन्या को विवाह हेतु अधिकतम 50,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है।
ये जो था प्रावधान वो पहले 25,000 था इसी वर्ष के बजट में, बजट 2023-24 में इसको 25,000 से बढ़ाकर 50,000 किया गया, और इस वर्ष के बजट में इसके लिए 38 करोड़ का प्रावधान है, ये आप याद रख लेंगे। फिर अगला है मिशन वात्सल्य योजना। इस योजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है, और इसके अंतर्गत बहुत सारे जैसे गृह वगैरह वो चलाया जाता है, वो आप देख सकते हैं, जैसे बाल संरक्षण गृह, विधि विरुद्ध मतलब कानून के विरुद्ध जो कार्य करते बच्चे उनको अंडर ट्रायल मतलब उसका जो दोष है वो सिद्ध नहीं होता तब तक उनको बाल संरक्षण गृह में रखा जाता है किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर। और विशेष गृह में किनको रखा जाता है, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दोषी पाए जाने वाले बच्चों को सुधारात्मक उपचार हेतु, ताकि वो सुधर सकें। अगर ऐसे बच्चे जो 18 वर्ष से कम हैं तो उनको विशेष गृह में रखा जाता है। फिर एक आता है प्लेस ऑफ सेफ्टी। प्लेस ऑफ सेफ्टी में किनको रखा जाता है, विधि विरुद्ध कार्य करने मतलब कानून के विरुद्ध काम करने वाले ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक हो चुकी हैं, और जिन्होंने कोई जघन्य मतलब बहुत बड़ा अपराध किया हो। तो जघन्य अपराध करने वाले 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। फिर अगला है खुला आश्रय गृह। जो घुमंतू सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं जिनके परिवार का सहयोगी नहीं मिलता, मतलब कोई परिवार में नहीं होते, तथा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं लेकिन बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, श्रमिक तो हैं लेकिन बाल श्रम अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते, ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने व दिन और रात में आश्रय प्रदान करने के लिए खुला आश्रय गृह बनाया गया है। फिर अगला है आपका चाइल्ड लाइन आकस्मिक सेवा। चाइल्ड लाइन का जो नंबर है वो है 1098। चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देख रेख के जरूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फोन सेवा है, ठीक है, बच्चों के लिए आकस्मिक फोन सेवा है, इसका नंबर है 1098, और ये जो है टोल फ्री है, इसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। तो आज की क्लास में हम जितना भी हमने पढ़ा उसका मुख्य बिंदु हम देखेंगे। पहला पॉइंट है आपका संस्थागत प्रसव की दर जो है 2015-16 की रिपोर्ट के अनुसार 70.2% थी, वो 2019-21 के NFHS 5 की रिपोर्ट के अनुसार बढ़कर 85.7% हो गई है। संस्थागत छत्तीसगढ़ का संस्थागत प्रसव दर 85.7%। छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2001 में प्रति 1,000 पर जो 77 थी वो 2022 की ईस्वी में घटकर कितना हो गया, 38। तो छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर अभी कितना है, 38। फिर अगला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय प्रदेश में कुष्ठ प्रभाव दर 8.2 था, जो 2022 की स्थिति मतलब वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुष्ठ प्रभाव दर 1.77 प्रति 10,000 है। फिर अगला है मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत दुर्लभ बीमारियों के लिए राज्य के पात्र परिवारों को अधिकतम 20 लाख रुपये तक का इलाज के लिए राशि दिया जाता है, और छत्तीसगढ़ इतनी बड़ी राशि देने वाला पूरे भारत देश में पहला राज्य है। प्रदेश में वर्तमान में 46,059 आंगनबाड़ी एवं 5,644 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सितंबर 2022 की स्थिति में कुल 14,94,614 परिवारों को घरेलू कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। वजन त्यौहार 2022 के अनुसार कुपोषण की दर जो है 17.76% पर आई है। तो वजन त्यौहार 2022 का डेटा भी आप ध्यान में रख सकते हैं, और वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में कुपोषण की दर में 2.1% की कमी देखी गई। तो आज की क्लास में थ्योरी में हमने सब कुछ पढ़ लिया, अगले क्लास में हम इसका जो MCQs वगैरह वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।